नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक सिक्योरिटी गार्ड भर्ती 2022 आ चुकी है। बिहार के 16 जिलों के लिए ये वैकेंसी आई हुई है, तो हम लोग पूरी डिटेल देखेंगे और कैसे आवेदन करना है ये भी जानेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। तो ये रहा दोस्तों नोटिफिकेशन, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे पंजाब नेशनल बैंक की ओर से जारी की गई है। अधीनस्थ संवर्ग बिहार राज्य के लिए में सशस्त्र गार्ड की भर्ती के लिए नोटिस। तो इसी में आप देख सकते हैं कौन कौन से जिले के लिए वैकेंसी आई हुई है और कहाँ कितनी सीटें हैं। यहाँ पे आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि देखिए, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बेगूसराय, मुंगेर, बिहार शरीफ, पूर्वी चंपारण, सिवान, दरभंगा। तो आप सीटें कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और वही समस्तीपुर, गया, जहानाबाद, कटिहार, मुजफ्फरपुर, सारण, पटना, तो इतने जिलों के लिए वैकेंसी आई हुई है। सीटों की संख्या आप देख पा रहे होंगे। टोटल सीटों की बात करें दोस्तों, तो देख सकते हैं यहाँ पे टोटल सीटें ऊपर में ही दिखा दी गई है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे 73, ठीक है, सशस्त्र गार्ड के 73 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। तो कैसे आप इसमें देखिए, यहाँ पे जो डिटेल है दिखाया गया है, शैक्षणिक योग्यता जो है अंग्रेजी पढ़ने लिखने के ज्ञान के साथ 10वीं कक्षा पास होना चाहिए, ठीक है, मैट्रिक पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं, और इसके समकक्ष भी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें एक चीज और जोड़ा गया है कि 12वीं कक्षा से आगे जो पढ़ रहे हैं उनके लिए ये फॉर्म नहीं है। तो देखिए, अध्ययन ना किया हो, बताया गया है 1/1/2022 को कम से कम आपकी योग्यता जो है वो मैट्रिक ही होनी चाहिए। अब आयु की देखिए, आयु तो 1/1/2022 को कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सभी लागू छूटों के सहित है ये दिखाया गया है। इसमें और एक्स्ट्रा कोई जो रिलेक्शन मिलता है वो लागू नहीं होगा। और यहाँ पे साफ साफ देखिए एक चीज और बताया गया है कि ये जो 73 पदों पर भरने के लिए योग्य उम्मीदवार केवल भूतपूर्व सैनिक से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सशस्त्र गार्ड के पद के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस विज्ञापन में जो भी मानदंड दिए गए हैं उसको आप पूरा करते हैं, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 15 वर्ष दिखाया गया है, कम से कम न्यूनतम सेवा आपका पूर्व में जो है वो दिखाया गया है, न्यूनतम सेवा 15 वर्ष होनी चाहिए नौसेना या सेना या भारतीय वायुसेना में। चिकित्सक श्रेणी में आपका SAP 1 ग्रेड होना चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड, और रैंक जो है आपको मिलने वाला है मूल नायक हवलदार। चरित्र उदाहरणात्मक होगा, और यहाँ पे अयोग्यता के लिए दिखाया गया कि यदि मूल JCO या समकक्ष रैंक और उच्चतर है या फिर ख में शारीरिक रूप से विकलांग है तो भी आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। यदि किसी भी अदालत में आपको दोषी ठहराया गया है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे। अब यहाँ पे सीट तो मैंने दिखा दिया है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, तो देखिए आप हमारे फेसबुक पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। Study24 फेसबुक में आप सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ से आप आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें इसके साथ साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी अटैचमेंट है तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे फॉर्म में क्या क्या आपको दिखाया गया है। उम्मीदवार का नाम भरना है, यहाँ पे फोटो चिपकानी है, पिता का नाम, पोस्टल कोड के साथ पूरा एड्रेस आपको भरना है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और 10वीं का पूरा डिटेल आपको भरना है, और साथ में फोटो कॉपी भी लगाना है 10वीं की शैक्षणिक योग्यता का। आपका श्रेणी क्या है, SC ST OBC है तो आपको फोटो कॉपी लगाना होगा कास्ट सर्टिफिकेट का या OBC सर्टिफिकेट का। जन्मतिथि यहाँ पे डालना है और आपकी एक्सपीरियंस के क्या डिटेल यहाँ पे भरना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो आपको टोटली जो है एक्सपीरियंस वाला डिटेल यहाँ तक भरा जाएगा। और उसके बाद नीचे है, यहाँ पे डेट है, यहाँ पे स्थान है, यहाँ पे हस्ताक्षर है, और इस फॉर्म को भर के आपको स्पीड पोस्ट करनी है। दस्तावेज देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो उम्मीदवारों को नीचे उल्लिखित की स्व भी प्रमाणित, ठीक है, स्व सत्यापित प्रतियों को जमा करना आवश्यक है। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको देना है, जैसे कि जन्मतिथि के प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी, तो जन्मतिथि मैट्रिक के मार्कशीट में रहता है तो मार्कशीट भी आप दे सकते हैं। सभी शैक्षणिक योग्यता, मैट्रिक का आपको टोटल, मूल प्रमाण पत्र, मार्कशीट वगैरह लगा के आपको ये फॉर्म भेजना है। 10वीं से अब तक अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों जमा किए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा अगर आप SC ST से रिलेटेड हैं तो, और फोटो कॉपी भी आपको लगानी होगी। आवासीय प्रमाण पत्र सभी को देना है, और हालिया पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो आवेदन में चिपकाया जाना अनिवार्य है। जिला सैनिक सैनिक कल्याण बोर्ड नामांकन कार्ड की
फोटो कॉपी भी आपको देनी होगी और डिस्चार्ज बुक की फोटो कॉपी भी आपको देनी होगी। अब कहाँ भेजना है आवेदन को, तो देखिए मुख्य प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक मानव संसाधन विभाग अंचल कार्यालय दूसरी मंजिल चाणक्य टावर्स आर ब्लॉक पटना 8000001, ये आपका पिन कोड हो गया। तो इसी पे आपको 29/7/2022 तक आवेदन भेज देना है। और तो दोस्तों इसमें कुछ विशेष है नहीं, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं पूरी डिटेल जानने के लिए तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, देख सकते हैं यहाँ पे डाला हुआ है, तो यहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक में आप सर्च करेंगे Study24 तो आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे डाला हुआ है, इसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई और वैकेंसी की जैसे ही सूचना प्राप्त होती है आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आऊंगा, तो मुझे दे इजाजत, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।